नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चार दिन पहले जब पाक पीएम आवाम के पेट में हवा भरकर उन्हें दान की अपील कर रहे थे, यह तभी साबित हो गया था कि तैमंद के ऊपर टोपी ही अच्छी लगती है। मगर इमरान लोंडे ने उन्हें पगड़ी के सपने दिखाकर न टोपी के लायक छोड़ा और न तैमंद को आंगन की रस्सी पर सुखाने लायक। 5 दिन गुजर जाने के बाद सारे तैमन छाप केवल 65 करोड़ पाकिस्तानी रुपए ही जुटा पाए। मजे की बात यह है कि इमरान ने कहा था कि अगर कोई इस फंड में 1 रुपया देगा तो सरकार उसके बदले 4 रुपए उनको देगी, पर इसके बावजूद ना नोमन तेल हुआ और ना मुल्ला जी पीपो पर रोगन कर पाए। उल्टा हुआ यह कि विदेशों से आई इमदाद भी अपना रास्ता भटक गई। उस पैसे से कितनों की सलवारें सिली, अब इसकी जांच की मांग उठ रही है। यानी 5 दिन में घोटाले का करिश्मा इस मुल्ला मुल्क में ही हो सकता है, जबकि मोदी की अपील पर इतने ही दिनों में 6500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में आ गए थे। अगर पाकिस्तान को इतना पैसा मिल जाता तो पाकिस्तान में कम से कम आधी जनता नए तैमंद लपेट कर घूम रही होती। अब पाकिस्तानी बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं कि पहले भारत वाले ही उन्हें भिखारी कहते थे, आज पूरी दुनिया उन्हें भिखारी कहने लगी है। क्या यही वह तब्दीली है जिसके लिए पाकिस्तान ने गद्दार नृत्य सीखा था? पर हकीकत यही है कि आज के हालातों में इन्हें तैमन से ज्यादा हुरों की पड़ी है। पाकिस्तान में ज्यादातर मदरसा पैदाइश इसे भी तब्दीली से जोड़कर देख रही है। इन लोगों को लगता है कि कोरोना वायरस हुरों और टोपीबाजों के बीच के मिलन में मीडिएटर का काम कर रहा है। इमरान लोंडे ने हुरो वाले जिस टीके का उल्लेख किया था, जिन्ना अस्पताल में उसकी मांग बढ़ती जा रही है, इसीलिए यहां टोपीबाज खचाखच भर गए हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के मुल्ला तारिक जमील ने तो बाकायदा हुरो का चरित्र वर्णन करके लोगों में उत्सुकता बढ़ा दी है, जिसके बाद पाकिस्तान में आपाधापी मच गई है। शायद यही वजह है कि पाक आर्मी और इमरान लोंडे द्वारा वास्तविक आंकड़े छुपाने के बाद हालात बदतर होते जा रहे हैं। आखिर आंकड़ों को छिपाने की भी एक सीमा होती है, क्योंकि आज पहली बार हुआ है जब ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के कोरोना केस भारत के 50% से ऊपर पहुंच गए। यानी भारत के 37,776 संक्रमित मरीजों के मुकाबले पाकिस्तान में 19,103 हो गए, जबकि 440 टोपीबाज केवल LOC नहीं अर्थ ऑफ बॉर्डर भी क्रॉस कर गए। अब पाकिस्तान में मामला बेतासा बढ़े तो हुरों के एजेंट भी सक्रिय हो गए हैं। दुनिया में भिखारी के रूप में विख्यात मदरसा पैदाइश हुरों के तबेले में खलबली बचाने के लिए तैयार है। इसमें कोरोना वायरस अब अपना काम बखूबी कर रहा है। शेष इमरान खान से मुलाकात कर चुके मुल्ला जमील ने टोपीबाजों हेतु अच्छी व्यवस्था कर दी है। इन्होंने बताया कि मुल्ला कौम कितनी अय्याश है, इनमें हुरों के प्रति दीवानगी क्यों भरी पड़ी है। वैसे जो ये विवरण दे रहे हैं, वे कभी हुरों से मिले हैं या नहीं, इसका कोई सबूत उनके पास नहीं है, परंतु हुरे होती जरूर है। तभी तो 80 साल के मुल्ला जी कमर पर तेल का पीपा लाद कर चलता है, 6 साल का टोपीबाज भी तशरीफ उठाने के अभ्यास में जुट जाता है। इसी विषय पर तारिक जमील जैसे लोग हुरों के दलाल के रूप में सामने आते हैं और हुरों वाले टीके की मांग पाकिस्तान में अचानक से बढ़ जाती है। तारिक जमील का आज का हुर विवरण उनके हुरों के दलाल होने का पक्का सबूत है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं तारिक जमील। जो ही पर्दा हटेगा तो एक और जन्नत उसके सामने खुल जाएगी और सामने तख्त पर एक लड़की यूं करके बैठी हुई होगी। उसके जिस्म पे 100 जोड़े होंगे, 100 जोड़ों में हर जोड़ा अलग नजर आ रहा होगा। हर जोड़े के लिहाज से चेहरे पे मेकअप की लहरें उठ रही होंगी। हर जोड़े की खुशबू अलग महक रही होगी। हर जोड़े का डिजाइन अलग अलग नजर आएगा। मेरे कुर्ते के नीचे बनियान नजर नहीं आ रही, उसके 100 जोड़े नजर आएंगे। 100 जोड़ों के पीछे उसका पूरा जिस्म देखेगा और जब उस पर पहली नजर पड़ेगी तो उसकी आंखें फट जाएंगी और वहीं स्कन ऐसे होकर कितनी देर देखेगा भाई, 40 साल बैठ के देखता रहेगा। पर्दा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।